जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। सर्विस करने वाले पति पत्नी, उनके यहां पे यदि बच्चा पैदा होता है तो सर्विस क्लास जो स्त्री होती है उसको कुछ समय के लिए शासकीय की छुट्टी मिलती है, 6 महीने 3 महीने, डिपेंड करता है जो टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद में बच्चा किसी न किसी आया के भरोसे छोड़ना पड़ता है, बाई के भरोसे छोड़ना पड़ता है, आस पड़ोसी के भरोसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, क्योंकि उस स्त्री को अपने सास ससुर से कंटाल आता है, उस सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती इसलिए पास नहीं रखती है, और न सास ससुर के पास रहने से बंधन महसूस होता है, सर्विस क्लास वाली को विशेष तौर से, क्योंकि स्वतंत्रता का हनन होता है। तो उसे वो बच्चा किसी न किसी आया के भरोसे छोड़ना पड़ता है, या फिर किसी बाल गृह में छोड़ना पड़ता है जहां पे बच्चों को पाला जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में झूला घर बोलते हैं। उस झूला घर में बच्चे को छोड़ के आते हैं, और शाम को जब वो वापिस सर्विस से आती है तो बच्चे को देखती और लेकर के आती है। अब पूरे दिन भर में बच्चा कितना भूखा रहा, कितना प्यासा रहा, और कौन कौन सी तकलीफें उसने झेली, आया रखने वाली, झूला घर वाली हो सकता है मारती हो, पीटती हो, रोता हो तो उसे चांटे भी लगा देती होगी, आपकी ममता उस समय मर जाती है। कई जगह देखते हैं, कई जगह वीडियो भी ऐसे प्रसारित हो जाते हैं कभी कभी, कि झूला घर में बच्चों को कितनी प्रताड़ना दी जाती है। ये तो कॉमन बात होगी, पर हम आपको रहस्यमय ज्ञान लेके और लेकर ले जा रहे हैं, कि रहस्यमय ज्ञान ये है कि यदि आपने ऐसे घर में अपने उस छोटे बच्चे को छोड़ दिया जिसकी आत्मा कमजोर है, अभी 3 माह का है, 6 माह का है, जिसकी आत्मा भी कमजोर है, खून भी कमजोर है, और ऐसे घर में छोड़ दिया, ऐसे झूला घर वालों के यहां छोड़ दिया, या ऐसे पड़ोसी के यहां छोड़ दिया जिसके यहां पे पहले से ही कोई एक दो पागल हो, ऊपरी बाधा लगी हुई हो, उसके यहां तंत्र मंत्र हो, उसके यहां जादू टोना हो, आए दिन उसके यहां झगड़ा होता रहता हो, औरत मारपीट करते रहती हो, औरत रोती रहती हो, कुत्ता रोता हो उसके यहां पे, बिल्ली रोती हो, ऐसे घर के अंदर यदि आपने बच्चे को छोड़ दिया तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाएगा, और बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो पागलपन की ओर चला जाएगा, और आपको हो गया सब, मानसिक स्थिति खराब हो गई, साइकेट्रिक पेशेंट हो गया, उसको नशे की गोली दे दी जाएगी और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि ऊपरी बाधा लग गई है, 10 साल से ऊपरी बाधा है, 20 साल से ऊपरी बाधा है, 15 साल से ऊपरी बाधा, जब बड़ा हुआ तब पता लगा कि साहब इसको तो ज्ञान ही नहीं है। फिर ऐसे बच्चे बिस्तर पे पेशाब करने लग जाते हैं डर के मारे, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते हैं, बड़े होने पर भी नहीं जाते हैं, घर से बाहर रात को निकलने में उनकी दुखी होती है, जान निकलती है उनकी, माता पिता को उठाते हैं और कई बार तो माता पिता से चिपक करके ही सोते हैं। फिर आप कहोगे साहब ये डरता क्यों है, और ऐसे बच्चों के ऊपर ही ऊपरी बाधा का प्रभाव ज्यादा होता है, तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, काला जादू का प्रभाव होता है, तिराय चौराहे पर मरने वाली अतृप्त आत्माएं चिपक जाती है। फिर आप कहोगे कि आपके पड़ोसी ने कर दिया, हमारी जेठानी ने कर दिया, हमारे जेठ ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, उसकी पोतड़ी गायब हो जाती है। आप ये कहोगे चाहे नी घूमी हो तो भी बोलोगे साहब उसके कपड़े गायब है, किसी ने बाल काट लिए थे, गलती खुद की महसूस नहीं करोगे कि हमने किस घर के अंदर उस बच्चे को पालने के लिए दिया था। इसलिए सभी माता बहनों से मेरा धर्म प्रेमी बंधुओं से भी निवेदन है कि अपने बच्चे को झूला घर में छोड़ने के पहले, या फिर आया या बाई जो घर में आती है उसके पास छोड़ने के पहले चेक कर लें कि क्या उस आया बाई के ऊपर तो ऊपरी बाधा नहीं है, वो तो कहीं पागलपन का शिकार नहीं है, वो अनमनी सी तो नहीं रहती है, हंसती भी है या नहीं है, बाल खुले करके ज्यादा तो नहीं रखती है, आंखों में गहराईपन तो नहीं है, उसका चेहरा भूत प्रेत मुंड जैसा तो नहीं है, सुखिया मसान तो नहीं लगा हुआ है, ये सब एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही अपने बच्चों को सुपुर्द करें।
अन्यथा आप अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे और जिंदगी भर आपके बच्चे हुए परंतु बच्चा नहीं है ऐसा आपको महसूस होगा। अपनी मेहनत की कमाई जिंदगी भर गुनिया को देते रहना, भोपा लोगों को देते रहना, झोपा लोगों को देखते रहना, भगत लोगों को देते रहना और तांत्रिक लोगों के यहाँ पैसा बर्बाद करते रहना, होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि बचपन से जो आत्मा यदि शरीर के अंदर घुस गई और 8-10 साल हो गए तो उसे निकालने के लिए विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है जो आज के जमाने में बहुत कम व्यक्तियों के पास मिलती है। और यदि आपका भाग्य है, यदि आपने दान धर्म किया है, यदि आपने पुण्य कर्म किया, यदि आपने हवन अनुष्ठान करवाए हैं तो वो पुण्य आपको ले जाएगा। यदि आप पुण्य करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो या पुण्य करने की इच्छा ही ना हो क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कहोगे हम घर परिवार चलाएं, इस बच्चे को पालें, इस बच्चे का इलाज कराएं क्योंकि पागल हो गया, तो इस बच्चे का इलाज कराएं कि हम दान पुण्य करें, तो दान पुण्य नहीं करोगे तो बच्चा बच्चा जिंदगी भर पागल पागलपन में ही रहेगा, भूल जाओ फिर उसके ठीक होने का। इसलिए कहते हैं दान दो ताकि दान देने से आड़े आ जाता है और पुण्य कर्म में परिवर्तन हो जाता है, मौत भी वापिस चली जाती कई बार दान के आगे, इसलिए दान पुण्य देते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां का मख्या। यदि मेरी इन बात से फिर मैं पुनः कहूंगा, किसी भी माता बहन को, किसी स्त्री को आत्मा को ठेस पहुंची हो, उसके मन को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मैंने अपना धर्म निभाया है, अब आपका काम है उस धर्म का पालन करना या नहीं करना। यदि आप अपने बच्चे को सही रखना चाहते हो तो सही झूला घर में ही भेजना, सही आया के सुपुर्द ही करना, अन्यथा अपने परिवार के सदस्य जो माता पिता सास ससुर हैं उनके चरण स्पर्श करके उनको बुला के लाओ और उनसे अपने बच्चे पलवाओ ताकि जो प्रेम मोहब्बत में से जो बच्चे की परवरिश होगी वो अकल्पनीय होती है, उसका आनंद अलग होता है, उसमें जो प्यार ममता स्नेह लुटाया जाता है एक दादी के द्वारा या फिर एक दादा के द्वारा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ लोग सोचते हैं तो आंसू भी आ जाते कि हम दादा के साथ पढ़े लिखे, और एक बच्चा ऐसा भी सोचता था कहता मेरे को अपनी माँ के बजाय मेरे को अपनी धाई माँ यानी कि बाई आया उसने अच्छे से पाला है, तो उसके मन में अपनी माँ के प्रति रोष उत्पन्न रहता है, क्रोध उत्पन्न रहता है, और जब कभी माँ से झगड़ा हो जाता तो बोल भी देता है कि तेने क्या पाला मेरे को, मेरे को तो उस बाई ने पाला है जिसने मेरी ढेके धोए हैं, कपड़े धोए हैं, खाना खिलाया है। तो जिंदगी, अपने बच्चे की जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो, उसकी भावनाओं को हनन मत करो, उसकी भावना का नाश मत करो, और बच्चे को खुद पालो या अपने बड़े बुजुर्गों को बुला करके लाओ और उनके माध्यम से पलवाओ। जय माता दी, जय मां का मख्या।